लोकसभा चुनाव में इस समय भारतीय जनता पार्टी अति विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। वो मानकर चल रही है कि इस बार उनकी लहर नहीं आंधी है जिससे वो समूचा विपक्ष उजड़ जाएगा। उनका कॉन्फिडेंस इस कदर हाई चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों एनडीए और बीजेपी के लिए रिकॉर्ड सीटों का टारगेट सेट कर दिया है। एक तरफ बीजेपी के लिए 370 सीटों का टारगेट सेट किया है, वहीं एनडीए के लिए 400 पार का नारा दे दिया गया है। 400 की राह कितनी है मुश्किल, आइए समझते हैं। अब राजनीति में किसी भी स्थिति को नकारा नहीं जा सकता। ये भी कहना गलत होगा कि एनडीए 400 पार नहीं कर सकती, लेकिन नारे और आंकड़ों वाली हकीकत में अंतर होता है। इसी वजह से सभी के मन में सिर्फ एक सवाल चल रहा है कि क्या सही में एनडीए इस बार लोकसभा चुनाव में 400 सीटें पार कर सकती है, या पीएम मोदी द्वारा दिया गया नारा सिर्फ और सिर्फ पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए है। अब अगर इस 400 सीटों वाले टारगेट को डिकोड करने की कोशिश की जाए तो पता चलता है कि वर्तमान स्थिति में तो वहां तक पहुंचना एनडीए के लिए काफी मुश्किल है। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां 48 सीटें निकलती हैं। पिछली बार बीजेपी अपने दम पर 23 सीटें जीत पाई थी, वहीं कई सीटें शिवसेना ने भी जीती थी, इसी वजह से आंकड़ा 40 के पार गया था। लेकिन अब राज्य में शिवसेना में टूट पड़ी हुई है और उद्धव ठाकरे अलग हैं, बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे हैं। ऐसे में कितनी सीटें बढ़ा पाते हैं यह सवाल चल रहा है। लेकिन अगर सपने 400 के पार हैं तो इस राज्य में भी बीजेपी को कम से कम 15 सीट अपने दम पर और खाते में जोड़नी पड़ेंगी, यानी कि उसका आंकड़ा 23 से बढ़ाकर 38 तक जाना चाहिए। यूपी में क्या है जुगाड़? इसी तरह से देश का जो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, वहां 80 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 62 अपने नाम की थी, लेकिन अगर 370 तक या 400 पार पहुंचना है तो पार्टी को अपने इस अंक में 10 से 12 सीटें और जोड़नी होगी। वैसे भी जब बात प्रचंड बहुमत की हो रही है तो एक सीट भी मायने रखता है। अब यूपी में बीजेपी को जिस टारगेट तक पहुंचना है वो कागज पर ही आसान नहीं दिख रहा है। पिछली बार जब सपा बसपा साथ आ गए थे तो बीजेपी को अपने ही टैली में 10 सीटों का नुकसान हुआ था। 370 हटने के बाद कश्मीर में असमंजस की स्थिति। इस बार कांग्रेस के साथ मंथन जारी है, वहीं बसपा अपनी सोशल इंजीनियरिंग चलाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी के लिए सारी आस यूपी में राम मंदिर और सीएम योगी का चेहरा रहने वाला है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर की पिछली बार 3 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन ये आंकड़ा तब का है जब 370 हटा नहीं था। 370 हटने के बाद से ही अभी तक जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव नहीं हुआ है। ऐसे में कैसा माहौल है, क्या चल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। यानी कि असमंजस वाली स्थिति का फायदा बीजेपी को मिलता है या नहीं, इसका इंतजार करना पड़ेगा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में दोस्ताना माहौल है, बंगाल में 2019 वाली बात नहीं है। वैसे बीजेपी के लिए तो राह उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कोई खास मजबूती नहीं रही है, किसी बहुत बड़े उलटफेर की संभावना भी अभी तक नहीं दिखाई दे रही है। बात अगर उड़ीसा की करें तो यहां लोकसभा सीटें 21 हैं। बीजेपी को यहां से 8 पर जीत मिली थी और इस बार वो कितना आंकड़ा यहां बढ़ा सकती है, इसी को लेकर सवाल है। यह बात किसी और से छिपी नहीं है कि बीजेपी और बीजेडी दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन दिखाई देते हैं, बल्कि सहूलियत वाली राजनीति दोनों के बीच में कई सालों से चल रही है। वर्तमान में अगर बात करें केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की, तो यहां से भी लोकसभा के 118 सीटें निकलती हैं और बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीटें हैं, वे भी सारी तेलंगाना में। इसका मतलब साफ है कि अगर सीटों का ग्राफ बीजेपी को बढ़ाना है तो हर कीमत पर दक्षिण में बड़ी सेंधमारी करनी होगी। अगर तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और आंध्र प्रदेश से बीजेपी ने 10-10 सीटें निकाल ली तो उसकी राह कुछ आसान बन सकती है, लेकिन वर्तमान सियासी हालात बताते हैं कि तेलंगाना को छोड़कर दूसरे किसी राज्य में पार्टी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। एक सिंपल गणित यह कहता है कि अगर एनडीए किसी तरह से अपना वोट शेयर 50% कर ले तब भी 400 के
पार की राह हासिल की जा सकती है। यह नहीं भूलना चाहिए कि जब कांग्रेस ने 412 सीटें जीती थी उसका वोट शेयर 48% के करीब पहुंच गया था। ऐसे में इसके करीब या इससे ज्यादा वोट शेयर बीजेपी को हासिल करना पड़ेगा। इसके अलावा पीएम मोदी का गणित तो यह मानकर चल रहा है कि बीजेपी के खिलाफ कई सीटों पर विपक्ष एक प्रत्याशी नहीं उतार पाएगा और इसी वजह से वोटों का बंटवारा होगा, जिसका सीधा फायदा उन्हें तीसरी बार सत्ता में लाने से जो योजना बनाई गई है उसमें काम करेगा।